नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। विश्वकर्मा पूजन दिवस का कार्यक्रम हम लोग 25 सालों से एक पूजा पाठ और जुलूस के साथ में हम लोग उसको आयोजित करते हैं। उसका प्रमुख स्थान जो है बीर गेट माने गए रहा है, जिसमें हम लगभग पूरा भोपाल में देश से सभी समाज बंधु उपस्थित रहते हैं। यह कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास से हम दिवस मनाते हैं। इस कार्यक्रम में हम लोग चल समारोह के माध्यम से इमाम गेट से तो बस स्टैंड समापन अवसर पर एक प्रसादी हम लोग वितरित करते हैं। वहाँ पर भी एक मंच पर सभी झांकियों का सम्मान किया जाता है। इस वर्ष भी हम लोग झांकियों में सभी का सम्मान करेंगे। इस वर्ष हम लोगों ने झांकियों में एक विशेष कुछ उपलब्धियाँ भी हम झांकियों को देंगे, वो हम लोगों ने तय किया हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज रेली समाज जो है हमारा विश्वकर्मा समाज जागृत हो गया है और बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम जो है ना पूरे भोपाल में, पूरे देश में, पूरे देश में मनाया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभी आभार व्यक्त करूँगा और उसे वो विश्वकर्मा योजना लागू करना है, जिसमें कि हमारे समाज के हमको काफ़ी लाभ मिलेगा। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है उसका क्या प्रयोजन? देखिए, हमारे संपूर्ण भारत में और मध्य प्रदेश में विश्वकर्मा पूजन महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 17 सितंबर को ये आयोजन होता है। उसी तारीख में विश्वकर्मा भगवान का जो पूजन महोत्सव है भव्य चल समारोह भोपाल के इमामी गेट से निकाला जा रहा है और इमामी गेट पर एक भव्य आयोजन होगा, जिसमें हमारे सभी राजनीतिक मंडल पधारेंगे और इसके उपरांत में भव्य चल समारोह प्रारंभ होगा, जो झूला दशहरा मैदान पर शाम को 6 बजे समापन होगा। इसमें अनेकों कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, हमारे अतिथियों का सम्मान होगा, उद्बोधन होगा और फिर घोड़े बग्घी के सामने भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा को झांकियों सहित ले जाते हुए झूला दशहरा मैदान पर समापन होगा। तो मैं हमारे सामाजिक बंधुओं से एवं अन्य बंधुओं से विशेष अनुरोध करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में 17 सितंबर को इस आयोजन में पधारें और भगवान विश्वकर्मा भगवान माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, ऐसे मेरा निवेदन है। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा? प्रतिवर्ष ये आयोजन होता है, 24 वर्ष हो चुके हैं। इमामी गेट विश्वकर्मा भगवान का मंदिर है भोपाल में, वहाँ से ये चल समारोह प्रारंभ होता है, जो कि बस स्टैंड होते हुए झूला दशहरा मैदान पर समापन होता है। वहाँ पर महाआरती की जाती है, वहाँ पर भी अतिथि पदार्थ है और एक वहाँ पर एक भंडारा होगा। उसके बाद में हमारे हनुमान दुर्गा जी महाराज के यहाँ प्रार्थना करके सभी लोग करते हैं और इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में पधारने की मैं अपील कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।